ताल परेड ग्राउंड में जहां पर आखिरी रिहर्सल की ये रिहर्सल हो रही है और उसके बाद फाइनल ये रिहर्सल है। इसके बाद 26 जनवरी को यहां पर परेड होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को एक पत्र लिखा है। एनएमडीसी की खदानों से उद्योगों को आयरन दिलाने का आग्रह किया गया है। रियायती दर पर आयरन का जिक्र किया गया है। आपको बता दें केंद्रीय इस्पात मंत्री को यह पत्र मुख्यमंत्री ने लिखा है। लोहास की बड़ी कीमतों का हवाला दिया गया है, उद्योगों को हो रही परेशानी का इसमें जिक्र है और सीएम ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को यह पत्र लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एनएमडीसी की खदानों से रियायती दर पर आयरन देने की बात कही गई है। लोहास की बड़ी कीमतों का हवाला दिया गया है और उद्योग में हो रही परेशानी का भी इसमें जिक्र किया गया है इस पत्र में, जो कि सीएम ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, इस पत्र में लौह अयस्क की बड़ी कीमतों का हवाला दिया गया है, खनिज आधारित उद्योगों की आ रही परेशानी का भी जिक्र किया गया है। और सीएम ने यह पत्र केंद्रीय इस्पात मंत्री को लिखा है, जिसमें एनएमडीसी की खदानों से उद्योगों को आयरन दिलाने का आग्रह, रियायत दर की बात कही गई है। एनएमडीसी की खदान से रियायती दर पर आयरन की मांग की गई है सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। केंद्रीय इस्पात मंत्री को यह खत यानी कि पत्र भेजा गया है। और इसके साथ ही लौह अयस्क की बड़ी कीमतों का हवाला दिया गया है। इसमें उद्योगों में हो रही परेशानी का हवाला है इस पत्र में, जो कि सीएम ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को लिखा है और उनसे मांग की है रियायती दर में आयरन दिलाने के लिए। लौह अयस्क की जो बढ़ी हुई कीमत है उसका हवाला दिया गया है, उसमें रियायत दर कम करने की बात कही गई है। रायपुर से ही एक और बड़ी खबर